द मिस्ट्री ऑफ द लॉ ऑफ कर्मा तो यह कर्म का जो विज्ञान है जो लॉ ऑफ कर्मा ये सबसे बड़ा लॉ है इस मटेरियल वर्ल्ड में इस मेटेरियल वर्ल्ड में बहुत सारा लॉ है जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लॉ ऑफ ऑप्टिक्स लॉ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल फेनोमेना, लॉज ऑफ केमिस्ट्री बहुत तरीके का नियम और लॉज है इस मेटेरियल वर्ल्ड में इस दुनिया में लेकिन सबसे बड़ा जो लॉ है वो भगवद गीता में बोला गया है और वो है लॉ ऑफ कर्मा दिस इज द ग्रेटेस्ट लॉ ऑफ दिस मेटेरियल वर्ल्ड बट इट इज वेरी मिस्टीरियस एक्चुअली ये बहुत मिस्टीरियस है कैसे ये कर्म का जो फिनमिना है ये कैसे काम करता है तो हम लोग कुछ एस्पेक्ट्स को आज को देखेंगे तो देखिए जैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोग जानते हैं एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट reaction this is actually newton's third law of motion so similarly if we simply replace the action the word action with uh, 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 the our activities in the newton's laws of motion third law of motion action means force in physical terms लेकिन उसी चीज को अगर हम लोग रिप्लेस कर देंगे एक्टिविटीज के रूप में सो इट एवर एक्टिविटीज रिएक्शन दैट इज एक्चुअली लॉ ऑफ कर्मा इफ वन गुड एक्टिविटीज ही विल गेट गुड रिजल्ट इफ वन डज रॉन्ग एक्टिविटीज गेट रॉन्ग रिजल्ट दैट इज एक्चुअली लॉ ऑफ कर्म इट इज वेरी वेरी सिमिलर टू लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो ये एक्टिविटी जो भी हम लोग कार्य करते हैं सब कुछ सब कुछ विटनेस्ड होता है सब कुछ भगवान का हायर एजेंट्स द्वारा वो देखा जाता है तो ये पूरा मेटेरियल वर्ल्ड ये पूरा मेटेरियल वर्ल्ड में असंख्य यूनिवर्सेस एक्चुअली अनलिमिटेड नंबर ऑफ यूनिवर्सेस तो भगवान चैतन्य महाप्रभु हम लोग को एक आइडिया दे रहा है कि कितना यूनिवर्सेस है इस मेटेरियल वर्ल्ड में तो जैसे एक बाकेट में एक बाकेट में अगर हम लोग सरसों का दाना पूरा भर देते हैं पूरा फुल एकदम इफ यू फील ए बाकेट विथ मास्टर्ड सीड्स अप टू द ब्रिम हाउ मेनी मास्टर्ड सीड्स विल बी देयर इन दैट बाकेट प्रैक्टिकली अनलिमिटेड काउंटलेस सो इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड दैट मेनी नंबर ऑफ यूनिवर्सेस आर देयर एंड विद इन वन यूनिवर्स ऑल्सो वी कैनॉट काउंट द नंबर ऑफ प्लैनेट्स हम लोग काउंट नहीं कर सकते कितना प्लानिट्स है ये मेटेरियल वर्ल्ड का ये यूनिवर्स में ही इतना प्लैनेट्स है इतना लेंथ एंड ब्रेथ इतना ज़्यादा है कि ब्रह्मा विष्णु मिलकर भी काउंट नहीं कर पाया सो दैट इज द मेटेरियल वर्ल्ड

भगवान कृष्ण का अवतार महाविष्णु महाविष्णु जब वो जब सांस छोड़ता है तब सब यूनिवर्सेस का क्रिएशन होता है अनलिमिटेड नंबर ऑफ यूनिवर्सेस आर क्रिएटेड फ्रॉम द पोर्स ऑफ हिस बॉडी एंड ही ही इनहेल्स सांस वापस जब ले लेता है सब यूनिवर्सेस फिर से उनका शरीर में प्रवेश कर जाता है यूनिवर्सेस का सब डिस्ट्रक्शन हो जाता है और यूनिवर्सेस में सब लिविंग एंटिटीज जो है वो महाविष्णु का शरीर में जाके वहां पे निद्रा का अवस्था में रहता है फिर से जब क्रिएशन होता है फिर से आ, सेम स्थिति में सब कोई फिर से जन्म लेता है यूनिवर्स क्रिएट होता है और उस यूनिवर्स में लिविंग एंटिटीज को इंप्रेग्नेट करता है महाविष्णु फिर से एक्टिव हो जाता है इस तरीके से मेटेरियल वर्ल्ड चल रहा है दिस इज हाउ द मेटेरियल वर्ल्ड इज रनिंग और मेटेरियल वर्ल्ड का मेटेरियल वर्ल्ड का जो कंट्रोलर है वो दुर्गा देवी है माया देवी या दुर्गा देवी तो माया देवी का काम क्या है माया देवी इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता है तो मेटेरियल वर्ल्ड को जेल का रूप में कंसीडर किया गया है कंपेयर किया गया है मेटेरियल वर्ल्ड इज लाइक ए जेल बट दिस इज अ वेरी अमेजिंग जेल बिकॉज नो वन वांट्स टू गेट आउट ऑफ दिस जेल

डायरेक्टली अंडर द कॉन्ट्रोल कंट्रोल ऑफ कृष्णा कृष्ण इज टेलिंग इन द भगवद्गीता मायाध्यक्षे न प्रकृति सूएते सा चरा चरम हेतु नाने न कौंतेया जगद विपरी वर्तते तो ये जो माया है माया देवी जो है वो भगवान का कंट्रोल में है माया अध्यक्ष है न प्रकृति और पूरा सृष्टि मेटीरियल वर्ल्ड में

This law of karma is actually impartial and inexorable. Can anybody find out the meaning of inexorable dictionary meaning? Material? What does this inexorable mean? टू स्टॉप हम्म एग्जॉस्ट नहीं होता है जो इनएरेबल मीन्स डैट विच इज नॉट एक्सॉस्टेड एक्चुअली दैट इज इनएक्बल तो जैसे देखिए ये इम्पार्शियल भी है यह ये, ये दो क्वालिटी है लव ऑफ कर्म इम पार्शियल एंड इनएक्बल कोई पार्शियलिटी नहीं करता है हर एक आत्मा जैसे काम करता है वैसे उसको रिजल्ट मिलता है देर इज नथिंग पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर सोल बट दिस इज एप्लीकेबल फॉर कंडीशन सोल्स जो मेटेरियल वर्ल्ड में भगवान को भूल के जो आत्मा है उन लोग के लिए लॉ ऑफ कर्म एप्लीकेबल है जब भगवान का शुद्ध भक्त जैसे शिला प्रभुपाद जी जब मेटेरियल वर्ल्ड में आता है तब उनके ऊपर ये लॉ कर्म एप्लीकेबल नहीं होता है सो प्योर डिवोटीज ऑफ कृष्णा आर नॉट अंडर द क्लाचेस ऑफ दिस ऑफ दिस लॉ ऑफ कर्म तो एंड इन that is why impartial and inexorable it is always always it is applicable anywhere in this material world at any time frame at every time frame it is applicable in every case it is applicable so just like for every effect there is a cause

बहुत सारा आ, मतलब उसको कष्ट मिलता है कभी डिजीज होता है सो दिस इज ऑल हैपनिंग अंडर लॉ ऑफ कर्मा देर मस्ट बी ए कॉज सो भगवान ये लॉ ऑफ कर्मा क्यों रखा है इस मेटेरियल वर्ल्ड में लॉ ऑफ कर्मा ये क्यों क्यों ये सिस्टम अप्लाई किया है so just like just like one trains one subordinates mm. so everyone every soul in this material world is a, is the son of god mm. as a father he has to see that if the child does good activity he will reward if the child does bad activity he will also reward पनिश रादर सो दिस रिवार पानिशमेंट सिस्टम हैज बीन इम्प्लीमेंटेड बाई कृष्णा थ्रो दिस लॉ ऑफ कर्मा बट इफ वन सरेंडर्स टू कृष्णा देन ही इज नॉट एनी मोर ही इज नो मोर अंडर द क्लाचेस ऑफ लॉ ऑफ कर्मा वो लॉ ऑफ कर्मा के अधीन नहीं रहता है सो देखिए जैसे जैसे जोगाई माधाई बहुत पापी था जोगाई एंड माधाई नवोद्द्वीप में हाँ वो लोग दो ब्राह्मण ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था वेद वेद पढ़ना आता था उन लोगों को वेद उपनिषद सब कुछ हाँ लेकिन वो लोग क्या करता था कि वेद में जो पाप कार्य है जो पाप है वो ढूंढता था कौन सा करने से पाप होगा हाँ तो ये सब ढूंढ के वही पाप करता था समस्त प्रकार का पाप करता था जगाई और माधाई आ, बहुत डेंजरस प्रकार के पाप करता था तो एक दिन जगाई और माधाई इन लोगों के पास भगवान नित्यानंद प्रभु आया नित्यानंद प्रभु बोला कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए तो नित्यानंद प्रभु कौन है चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण जो कलियुग में आए हैं और बलराम जी लॉर्ड बलराम वही नित्यानंद प्रभु का रूप में आया है इस कलयुग में तो नित्यानंद प्रभु जब बोला तो माधाई उनका माथे पे एक आ, एक आ, एक क्या बोलते हैं उसको हिंदी में एक वुडन पॉट का आ, एक टुकड़ा लेके नित्यानंद प्रभु का माथे पे फाट दिया और नित्यानंद प्रभु का माथे से खून निकलने लगा और तुरंत चैतन्य महाप्रभु आ गया सुदर्शन चक्र लेके आ गया आ, और माधाई को आ, माधाई को मारने के लिए तैयार हो गया चैतन्य महाप्रभु आ, तो नित्यानंद प्रभु रोका चैतन्य महाप्रभु को कि इस कलियुग में आप अगर सबको मार देंगे तो हाँ तो कैसे चलेगा एक जन को मारेंगे तो सबको मारना पड़ेगा एक यहाँ पे एक जन पापी नहीं है सब लोग पापी है कलियुग में तो पिछले युग में कृष्णा असुर लोगों को विनाश किया था असुर लोगों को मारा था लेकिन इस कलियुग में चैतन्य महाप्रभु किसी को किसी को मारने के लिए नहीं आया वो नित्यानंद प्रभु रिमाइंड किया उनको तो चैतन्य महाप्रभु आए हैं हम लोग का जो हार्ट में हृदय में जो जो डिमोनियक टेंडेंसी है असुरिक टेंडेंसी है उसको मारने के लिए आया है अगर हम लोग को ही मार देंगे तो सबको मारना पड़ेगा एक जन को मारेगा तो सबको मारना पड़ेगा सबको पापी है कलयुग में सबको आसुरिक है बड़े बड़े देखता छोटा लेकिन बड़े बड़े असुर है <laughs> लेकिन लेकिन ये चीज करने के लिए चैतन्य महाप्रभु नहीं आए चैतन्य महाप्रभु सबके अंदर में जो आसुरिक टेंडेंसी है उसको खत्म करने के लिए आए हैं तो नित्यानंद प्रभु ऐसे कृपा किया जगा एन माधाई इन दोनों का ऊपर और, और चैतन्य महाप्रभु माधाई को बोला कि आप नित्यानंद प्रभु से क्षमा मांगिए तब मैं क्षमा करूंगा तो माधाई नित्यानंद प्रभु से क्षमा मांगा नित्यानंद प्रभु उनको कृपा किया और भगवान का नाम हरे कृष्णा महामंत्र लेने बोला और उसके बाद जोगाई और माधाई पूरा एकदम शुद्ध भक्त बन गया और फिर से कभी पाप रिपीट नहीं किया तो so, समस्त प्रकार के पाप कर्मों में से चार प्रकार के पाप कर्म सबसे जो प्रोमिनेंट है ये पिलर है पाप का द फर्स्ट वन इज मीट ईटिंग सेकेंड वन इज इंटॉक्सिकेशन थर्ड वन इज गैम्बलिंग एंड द फोर्थ वन इज इलिसिट सेक्स दीज आर द फोर पिलर्स ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज दे आर ये अधर्म के चार पिलर है पाप के चार पिलर इफ वन इज एबल टू अवॉइड दीज फोर सिंफुल एक्टिविटीज पाप कार्य तो वो uh, समस्त पाप कार्य से दूर रह पाएगा एंड चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ कृष्णा शिला प्रभुपाद इसलिए सिक्सटीन राउंड चैंटिंग और ये चार बेसिक रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हम लोगों को दिया है नो मीटिटिंग नो गैमिंग नो इंटॉक्सिकेशन एंड नो इलिसिट सेक्स तो भगवान देखिए चैतन्य महाप्रभु पानिशमेंट दिया सुधारने के लिए पानिशमेंट देना पड़ता है और भगवान देखिए रिवार्ड भी किया जब भगवान के पास हाँ भगवान कृष्ण के पास एक फ्रूट सेलर आया था तो वो फ्रूट सेलर कृष्ण बोला कि मेरे को सब फल दे दो फ्रूट सेलर लेडी से बोला कि सब फल दे दो तो कृष्ण उसके आ, उसके एक्सचेंज में क्या दिया थोड़ा सा वो घर से उसका मुट्ठी में जितना चावल आएगा वो दिया इनको तो जब जब ये फ्रूट सेलर लेडी देखा कि थोड़ा सा हाथ में जितना हाथ में चावल हो पाए उतना चावल ला रहा है कृष्णा तो ये फ्रूट सेलर लेडी ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं बोला कि अरे इतना चावल से मैं इतना फल कैसे दे दूंगा दे दूंगी इसका इतना कम कीमत नहीं है ऐसा नहीं बोला फ्रूट सेलर लेडी फ्रूट सेलर लेडी सब दे दिया जितना फल था सब दे दिया कृष्ण को और जैसे ही कृष्ण को सब फल दे दिया जैसे जैसे फल देते गया वैसे वैसे उनका जो झोला है जो बास्केट बास्केट थी वो पूरा सब रत्न से भरने लगा ऑल द वैल्युएबल जुअल्स गॉट फील्ड ऑफ इन दट बास्केट ऑफ दैट फ्रूट सेलर लेडी ऐसे भगवान रिवॉर्ट कर रहा है ये यथाम प्रपदे तामस्त भजामी अहम तो स्कूल में जैसे देखा जाता है कि कोई अच्छा स्टूडेंट होता है तो टीचर क्या करते है उसको जब कोई नया बुक्स आता है तो उसको नया बुक्स देता है आँ. कुछ भी प्रॉब्लम का आंसर उससे पूछता है लेकिन जो पीछे बेंच में बैठे हुए रहता है वो लोग सोचता है कि अरे टीचर पार्शियल है हाँ इसको नया बुक देता है हम लोग को डांटता रहता है हाँ टीचर इज नॉट गुड टीचर पार्शियल है ऐसा सोचता है लेकिन जो जैसे जो स्टूडेंट जैसे टीचर के साथ रेसिप्रोकेट करता है वैसा ही उसको रिजल्ट मिलता है वैसा ही उसको रेसिप्रोकेशन मिलता है जो बैक बेंच में जो लोग बैठे हैं वो टीचर का ड्राइंग करता है हाँ और अपने वो जो पढ़ाया जा रहा है उसमें ध्यान नहीं देता है लेकिन वो लोग सोचता है कि टीचर पार्शियल है सो लाइक कृष्णा इज नॉट पार्शियल कृष्णा इज इक्वल टू एवरी वन ये यथाम प्रपद्यंत तथे भजामी हम जो भक्त लोग हैं वो कृष्णा के पास सरेंडर करता है और कृष्ण का इंस्ट्रक्शन के अनुसार गुरु परंपरा में जो भगवान कृष्ण इंस्ट्रक्शन दिया है उसके अनुसार चलता है तो इसलिए वो भगवान का स्पेशल मार्सी उन लोगों को मिलता है विशेष कृपा उन लोगों को मिलता है भगवान का बट कृष्ण इज रेडी टू गिव दिस मार्सी टू एवरी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जन को ही देना चाहता है कुछ ही जन को देना चाहता है दूसरे जन को नहीं देना चाहता है ऐसा बात नहीं है कृष्ण वॉन्ट्स टू गिव इट टू एवरी वन बट इट डिपेंड्स ऑन द डिपेंड्स ऑन द डिजायर ऑफ द सोल आत्मा क्या चाह रहा है उसका ऊपर डिपेंड करता है आत्मा अगर चाहेगा कि भगवान का कृपया मिले तो वो उसको लेगा उसका फ्री विल है हर एक आत्मा का फ्री विल है भगवान उस फ्री विल में कभी भी हाथ नहीं देता है इफ

वॉल्टरिली इट हैजू बी डन तो जो लोग जो आत्मा भगवान को भूल के मेटेरियल वर्ल्ड में ही रहना चाहता है उन लोगों को ये लॉ ऑफ कर्मा के अंडर रहना ही पड़ेगा तो so, कर्मा गेट्स स्टोर्ड तो so, कैसे ये जो कर्मा जो भी एक्टिविटी है वो रिकॉर्डेड हो रहा है वो स्टोर्ड होता है तो ये कर्म का जो फिनमिना है हम लोग हम लोग कई बार देखते हैं कि कोई खराब काम कर रहा है कोई बैड एक्टिविटी कर रहा है लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है बैड रिजल्ट उसको नहीं मिल रहा है और कभी कभी देखते हैं कि कोई अच्छा एक्टिविटी कर रहा है लेकिन उसका लाइफ में बहुत बुरा चीज हो रहा है सो व्हाई बैड थिंग व्हाई बैड थिंग हैपेंस विद गुड पीपल दैट वी मे थिंक हम लोग को ये लग सकता है कि ये क्यों हो रहा है खराब चीज क्यों हो रहा है अच्छा आदमी के साथ और बुरा आदमी के साथ अच्छा चीज क्यों हो रहा है सो एक्चुअली वी शुड नॉट सी विथ रेस्पेक्ट टू ओनली वन लाइफ एक लाइफ का रेस्पेक्ट में नहीं देखना चाहिए हम लोग को समझना पड़ेगा कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर जा रहा है और उस वो जो शरीर ट्रांसफर कर रहा है उसका प्रीवियस कर्मा भी आता है उसके साथ आत्मा के साथ एकॉम्पन ही करता है दूसरे शरीर में तो देखिए यहाँ पे ये जो सैंड गिर रहा है सैंड गिर रहा है गिर रहा है ऊपर का सैंड आस्ते आस्ते नीचे गिर रहा है तो ये जो, जो कर्मा है वो प्रीवियस लाइफ का कोई खराब कर्मा उसका जब रिजल्ट रिजल्ट आने का टाइम होता है तब वो रिजल्ट आता है कोई इस लाइफ में खराब काम कर रहा है लेकिन प्रीवियस लाइफ में अच्छा काम किया था उसके भी प्रीवियस लाइफ में कुछ अच्छा काम किया था उसका रिजल्ट उसको तब मिल रहा है और अभी जो खराब काम कर रहा है उसको रिजल्ट उसको बाद में मिलेगा कुछ कुछ कर्म होता है जो जिसका रिजल्ट जल्दी मिल जाता है ऑन दैट लाइफ टाइम ही ओनली गेट्स द रिजल्ट एंड सम कर्मा ही गेट्स द रिजल्ट

And materially, in the material platform, a bad activity may be giving suffering to some other people, giving trouble to another people. So, both the results he will get in his uh, further life either he will get in this life or he will get in the next life or next to next life. But, result he will get. So, uh, we should not think that uh, this good, good karma and bad karma will cancel each other. It will not cancel each other. Uh, good karma will have good results, bad karma will have bad results. But spiritual activity is above good karma and bad karma, both. So, therefore, we have to understand.

पायस एक्टिविटी मतलब अच्छा काम करना और सिंफुल एक्टिविटी मतलब पाप काम करना तो ये पाप काम काम भी नहीं है और ये पुण्य काम भी नहीं है हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग स्पिरिचुअल एक्टिविटी है ये आध्यात्मिक स्तर पे है इट इज इन द प्लेटफॉर्म ऑफ द स्पिरिट सोल इट इज स्पिरिचुअल सो देयरफॉर भगवद गीता रिकोमेंड्स आज टू तो गो एब बोथ पायस एंड सिंपल एक्टिविटी टू तो द प्लेटफॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटी सो so, इंस्टेंट कर्मा एंड डिलेट कर्मा तो जैसे देखिए कोई मान लीजिए चोर है तो चोरी करता है तो पकड़ा जाता है इंस्टेंट कर्म ऑन द स्पॉट कोई पकड़ा गया चोर उसको लोग बहुत पीटता है तो फिर देखिए किसी के कोई बहुत ज़्यादा मतलब रिच खा लिया है यू विल गेट द रिजल्ट नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे मॉर्निंग थोड़ा सा डिले होता है डिलेट कर्म कोई देखिए कोई किसी को मतलब मर्डर करता है किसी का दूसरे किसी को मार देता है तो उसको रिजल्ट मिलेगा तीन साल चार साल उसका कोर्ट ट्रायल होगा दो साल में उसको पनिशमेंट मिल जाएगा तो डिलेट थोड़ा डिलेट होता है और ज़्यादा प्रीवियस केस से और ज़्यादा डिलेट हुआ और कोई मान लीजिए इलिसिट सेक्स कर रहा है किसी के भी साथ सेक्स कर ले रहा है तो उसको एच आई एड्स हो जाएगा तो उसका रिजल्ट उसको और भी डिले पाँच छः साल बाद उसको मिलेगा रिजल्ट और कोई क्या कोई ऐसा एक्टिविटी किया है हाँ जो जो नेक्स्ट लाइफ में भी उसको उसका रिजल्ट मिलेगा वो कब रिजल्ट मिलेगा लॉ ऑफ कर्मा कुछ कोई भी एक्टिविटी किया वो उसका रिजल्ट कब मिलेगा दैट इज दैट इज अंडर द जुडिस्डिक्शन ऑफ माया देवी Durga Devi. When he will get the result, when the situation will come in that way that now it is possible, now it is suitable time for him to get the result, at that time only that result will come. I'll give the example how it happens from one uh, story.

हां वो तब्दील होने के लिए टाइम लगता है कोई प्लांट कोई सीड दे देता है जल्दी हो जाता है कोई सीड थोड़ा टाइम लगता है डिफरेंट सीड्स हैव डिफरेंट ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर फ्रक्टिफाइन सो दैट इज आल्सो अबाउट द लॉ ऑफ कर्म सम सम ऑफ आवर एक्शंस में यील्ड इमीडिएट रिजल्ट्स सम ऑफ आवर एक्शंस में यील्ड नो नो डिलेड रिजल्ट्स लेकिन हम लोग अगर भगवान का भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे इस लॉ ऑफ कर्मा से ऊपर चलेंगे ऊपर वी विल स्लोली बी वी विल स्लोली बी आउट ऑफ द क्लाचेस ऑफ लॉ ऑफ कर्मा एज वी सरेंडर टू कृष्णा इन दैट डिग्री वी विल बी वी विल बी रिलीज फ्रॉम द लॉ ऑफ karma ग्रेजुअली तो ये भक्ति का प्रोसेस में कोई कृष्ण कॉन्शसनेस का जो प्रोसेस वो कोई फॉलो कर रहा है तो वो धीरे धीरे जैसे वो कृष्ण के पास सरेंडर करता है गुरु के पास सरेंडर करता है गुरु परंपरा के पास सरेंडर करता है तो उस तरीके से वो ऑफ कर्मा का कर्मा से आस्ते आस्ते रिलीज हो जाता है कोई शुद्ध भक्त कोई बन जाता है तो कर्म उसके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है लेकिन अमेजिंग चीज ये है कि कोई शुद्ध भक्त जो बन जाता है वो अपने आप को शुद्ध भक्त नहीं समझता है वो अपने आप को सबसे पतित समझता है दैट इज द ह्यूमिलिटी ऑफ ए प्योर डिवोटी ए प्योर डिवोटी नेवर थिंक्स दैट ही इज प्योर डिवोटी ही ही थिंक्स दैट हैज नो डिवोशन टू कृष्णा दैट इज द अमेजिंग थिंग अबाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस बट इट इज रिकोग्नाइज बाई कृष्णा कृष्णा अंडरस्टैंड हाउ मच दिसेंडरिंग एंड इन दैट वेल रिलीज हिम फ्रॉम द क्लासेस ऑफ लॉ ऑफ कर्मा सो गो टू द नेक्स्ट येस आई विक यू अंडरस्टैंड हाउ दिस टाइम इज डिटर वेन दे कर्मा वील बी फिफ्टी फाइव तो धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र जो कौरव के जो पिता थे कौरव लोगों के जो पिता थे उनका 100 बच्चा 100 बेटा वो मर गया जब 100 बेटा मर गया तब तो धृतराष्ट्र बहुत रो रहा था बहुत कष्ट पा रहा था वो तो वो धृतराष्ट्र हाँ सोच रहा था क्यों ऐसा हुआ क्यों ऐसा हो गया कि हाँ हमारा सब बेटा मर गया एक सौ बेटा के एक भी पुत्र नहीं रहा सब मर गया बहुत कर रहा था तो वो कृष्णा उनको कृष्ण उनको बताया कि क्यों ऐसा हुआ तो कृष्ण उनको बोला कि पास्ट लाइफ का कहानी बताया उनका धितष्ट्र का पूर्व जन्म का कहानी बताया तो धितष्ट्र को बोला कृष्ण बोला कि पचास जन्म पहले फिफ्टी लाइफ्स फिफ्टी लाइफ्स बिफोर ही वॉज ए हंटर ही वॉज ए किंग एंड ही वॉज ही वेंट फॉर हंटिंग शिकार करने निकला था तो पचास लाइफ पहले (50 लाइफ्स बिफोर तो जब धुतराष्ट्र वो पचास लाइफ पहले वो व्यक्ति वही धृतराष्ट्र जब हंटिंग करने निकला तो वो पक्षी का हंटिंग कर रहा था पक्षी का शिकार कर रहा था और शिकार के दौरान वो एक पक्षी था जिसका 100 बच्चा था हंड्रेड सॉन्ग्स दैट बर्ड है तो हर एक वो 100 बच्चा को एक सौ बच्चा को वो मार दिया शिकार शिकार के दौरान तो वो जो पक्षी था उसको बहुत कष्ट हुआ तो वो जो कर्मा उसको लगा जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन उस पक्षी को इतना कष्ट दिया तो धुतराष्ट्र को भी उतना ही कष्ट भोग करना पड़ेगा ये है लॉ ऑफ कर्मा कोई बच नहीं सकता वो सोचा सोच वो सोच सकता है कि पचास लाइफ तक बीच में बच गया था नहीं फिफ्टी लाइफ के बाद भी उसका रिएक्शन आएगा ही आएगा इट हैज टू कम एक्चुअली नो बॉडी कैन स्केप द लॉ ऑफ कर्म सिर्फ कृष्णा ही लॉ ऑफ कर्म को बदल सकता है कृष्णा और गुरु स्पिरिचुअल मास्टर एंड कृष्णा दे कैन रिवर्ट द लॉ ऑफ कर्मा अदरवाइज कोई लॉ ऑफ कर्म को कोई कोई टाल नहीं सकता है। तो अब धृतराष्ट्र प्रश्न पूछा कृष्ण से कि पचास लाइफ बाद क्यों आप रिजल्ट दिया मेरे को तभी दे देते रिजल्ट तो तब कृष्ण बोला कि देखिए 100 संतान प्राप्ति के लिए बहुत पुण्य करना पड़ता है इट इज नॉट दैट इजी टू गेट अ वन हैज टू टू हैव सम पायस क्रेडिट गेट ए सॉन्ग सो हंड्रेड सॉन्ग्स वो पुण्य आप धीरे 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 कमाएं इस फिफ्टी लाइफ टाइम्स में वो पुण्य आप कमाएं और पुण्य कमाने के बाद आपको हंड्रेड सॉन्ग्स मिला और फिर वो जो पाप किए थे आप उस पचास लाइफ पहले उसका भी रिजल्ट मिल गया पुण्य का भी रिजल्ट मिला पाप का भी रिजल्ट मिला कैंसिल आउट नहीं होता है देर इज नो कैंसलेशन ऑफ लॉ एक्टिविटीज एंड सिंफुल एक्टिविटीज बहुत इस तरीके से द्वितीय राष्ट्र का जो प्रीवियस लाइफ से द्वितीय राष्ट्र समझ पाया कि कैसे उनका यह परिस्थिति हुआ तो देखिए कैसे कब वो फिफ्टीफाई करेगा वो डिपेंड करता है हायर ऑथोरिटीज आर दे आर डिटरमाइनिंग दैट उसको फिफ्टी लाइफ टाइम्स लगा वो कर्म को कमाने के लिए तो इसलिए डिले हुआ तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है एंड हायर ऑथोरिटीज आर कंप्लीटली परफेक्टली सीम और सब माया देवी के जुर में होता है और दुर्गा देवी कभी गलती नहीं करती है परफेक्ट रिजल्ट देती है ऑलवेज तो देखिए बहुत लोग बोलता है कि हम लोग को तो लॉ ऑफ कर्मा पता नहीं है हम लोग गलती किए तो क्यों भगवान सजा देगा इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज एक्चुअली एवरी वन शुड नो द लॉ ऑफ द लैंड इफ समी डो द लैंड द लॉ ऑफ द लैंड बट ही ब्रेक्स द लॉ

म कर चंगुल से निकलने का उपाय बोल रहा है दैट शुड बी द्यू ड्यूटी ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ टू प्रैक्टिस दिस ग्रेट स्क्रिप्चर्स भगवद गीता एंड श्रीमद भागवतम इन दर पर्सनल लाइफ एंड गेट एंड गो बैक टू द स्परिचुअल वर्ल्ड इटर्नली टू सर्व कृष्ण तो हम लोग देखते हैं कि नेचुरल कैलॉमिटीज बहुत सारे आता है जब नेचुरल कैलेमिटीज के टाइम पे कितना लोग एक साथ मृत्यु हो जाता है उन लोगों का जैसे कोरोना वायरस के टाइम इट इज एक्चुअली इट इज मास कर्मा पीपल हैविंग सिमिलर टाइप्स ऑफ कर्मा आर गिवन द रिजल्ट इन ए इन सेम टाइम दैट इज कॉल्ड एज कर्म तो बहुत बार हम लोग देखते हैं नेचुरल कैलॉमिटीज में बहुत सारा लोग एक साथ मर जाते हैं तो दे आर सिमिलर कर्मा दैट दे विल अरेंजमेंट ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ मेटेरियल एनर्जी दे आर ब्रॉड टूगेदर एंड दे डाई टूगेदर सो नेचुरल कैलॉमिटीज किल इन मास बट दे डोंट किल ब्लाइंडली नथिंग हैपन्स ब्लाइंडली इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड Nothing happens without any reason in this material world. Everything is controlled. Everything is under the control of the Supreme Lord. तो हम लोग तीन चीज देखेंगे कर्म अकर्म और विकर्म ये तीन चीज का कॉन्सेप्ट क्या है गीता ये बोल रहा है कर्म अकर्म और विकर्म कर्म क्या है कर्म मतलब एक्शन परफॉर्म इन टर्म्स ऑफ प्रिस्क्राइब ड्यूटी कर्म मतलब वेदिक कर्म कांड जो वेद में बहुत सारे कर्म कांड का, उपाय बोला गया है यह करेंगे तो स्वर्ग लोक प्राप्ति होगा यह करेंगे तो ये प्राप्ति होगा वो प्राप्ति होगा लाइक दैट दिस इज कर्म कांड वेद में कर्मकांड बहुत है कर्मकांड ज्ञान कांड कर्म कांड so मतलब वेद का डिफरेंट डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन लेकिन वेद का एक्चुअल जो इंस्ट्रक्शन है वो भगवत गीता और श्रीमद भागवतम में दिया हुआ है वेदेश सर्वेर गोल ऑफ वेदिक नॉलेज इज टू नो मी कृष्ण इज टेलिंग द भगवदगीता लेकिन कोई अगर कर्मकांड में ही फंस जाएगा वेद का कर्म कांड सेक्शन ही पूरा उसमें फंस जाएगा तो वो एक्चुअल वेद वेद का लाभ नहीं उठा पाएगा तो वैदिक जो रूल्स रेगुलेशंस और जो जो प्रोसेस सेक्रीफाइसेस और डिफरेंट डिफरेंट कर्मकांड एक्टिविटीज जो बोला गया है वो अगर कोई पालन करता है तो वो कर्म कर रहा है कर्मा वेदिक कर्मकांड सेक्शन को जो फॉलो कर रहा है तो वेदिक कर्मकांड सेक्शन मतलब इफ यू डू दिस यू विल गो टू हेवन आप ये यज्ञ करोगे ये काम करोगे सारा जीवन तो आप इस जीवन के बाद स्वर्ग लोक में जाओगे तो वो एक्टिविटीज वेद के अनुसार जो लोग कर रहा है वो कर्म कर रहा है एक्चुअली कर्म कांड को फॉलो कर रहे है। और विकर्म Now, next comes the concept of vikarma. Vikarma means what? Somebody is breaking the rules of the Vedas. Vedic literature of Bhagavad Gita, जो बोल रहा है उस रूल्स को अगर कोई ब्रेक करता है तो वो विकर्म कर रहा है सिंफुल एक्टिविटी पाप कार्य ये चार प्रकार के पाप कार्य मना किया गया है वेद में अगर कोई चार प्रकार के पाप कार्य करेगा तब उसको क्या होगा उसको पनिशमेंट मिलेगा वो विकर्म कर रहा है डेट मीन सिंह एक्टिविटी इज डूइंग एक्टिविटी और थर्ड कॉन्सेप्ट जो है वो है अकर्मा एक्शन स्विच फ्री वन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ ये है भक्ति का कार्य जो भगवान का भक्ति कर रहा है वो पाप कार्य भी नहीं कर रहा है पुण्य कार्य कार्य भी नहीं कर रहा है वो स्पिरिचुअल कार्य कर रहा है और उसके माध्यम से वो कर्म के ऑफ कर्म का बंधन से ही वो, वो उसको छुटकारा मिल जाएगा और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लौट के जाने के लिए उसको मौका मिलेगा सो दैट इज द दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ अकर्मा दैट इज

समबॉडी सपोज टू डाई ही अकॉर्डिंग टमा ही डाई एक बार क्या हुआ था एक व्यक्ति एक व्यक्ति वो उसको वो उस, मतलब देखा कि अपना लॉ ऑफ कर्मा में उसको लिखा है कि उसके ये दिन में मृत्यु होगा सांप का काटने से उसके एस्ट्रोलॉजर बोल दिया था कि उसका मृत्यु होगा इस तरीके से सांप का काटने से वो क्या किया वो वो बोला वो एस्ट्रोलॉजर को गाली दे दिया कि बट गलत बोल रहा है तुम कुछ नहीं होगा हम तुमको दिखा देंगे मेरा कुछ नहीं होगा तो वो क्या किया हाँ एस्ट्रोलॉजर अच्छा वाला था आजकल का जैसा नहीं बढ़िया एस्ट्रोलॉजर था एकदम कैलकुलेट कर दिए थे इसी दिन में तुम साप काटने से तुम्हारा मृत्यु होगा एकदम बोल दिया था तो क्या किया वो वो अपना दोस्त को लेके बाइक लेके पूरा शहर घूम रहा था वो कहाँ साप बाइक लेके पूरा घूम रहा है चला रहा है हाँ ही कर रहा है पूरा एकदम कहाँ है सांप कहाँ है मृत्यु कुछ नहीं होगा हाँ सब बेकार एकदम ये एस्ट्रोलॉजर कुछ नहीं जानता है तो क्या हुआ कि आकाश में आकाश में एक ईगल ईगल एक एक बहुत ही जहरीला सांप को लेके उड़ रहा था कुछ हुआ कुछ ऐसा कुछ हुआ कि हाँ वो आ, वो सांप उस जो पक्षी का ईगल ईगल का चंगुल से फिसल गया और पूरा एकदम नीचे जब गिरा पूरा इसका माथे पे गिरा जो बाइक में घूम रहा था वो व्यक्ति उसका माथे में गिरा और उसको माथे में वो द स्नेक बाइट ऑन द हेड और तुरंत ऑन स्पॉट डेथ हो गया तो वो सोच रहा था कि उसको सांप काटने से मृत्यु नहीं होगा बाइक लेके घूम रहा था बहुत आ, तो लेकिन लॉ ऑफ कर्मा बहुत स्ट्रांग है लेकिन भगवान कृष्णा अगर चाहता है तो लॉ ऑफ कर्मा को बदल सकता है अदरवाइज इट नॉट पॉसिबल सो इफ कृष्णा वांट्स ठीक है इसका मृत्यु होने वाला था तो लेकिन ये भक्ति कर रहा है तो मृत्यु को डिले कर देते हैं कृष्णा कैन चेंज बट अदर अदर वन अदर ऑर्डिनरी पर्सन नॉट चेंज सो दिस इज द वे दिस लॉ ऑफ कर्मा Uh, we can decide our actions right now uh, but whatever actions we performed previously the results we are getting right now okay but now whatever action we will do uh, that is not determined by law of karma and now we should not we should not uh, entangle ourselves in the law of karma we should do spiritual activities which will take us back to the spiritual world which is beyond the law of karma so uh, i will end here so pura khatam nahi hua this is the part one uh, part two we will discuss in the next week and uh, and this law of karma uh, is a very complex subject matter actually it is not uh, it doesn't act in a very simple way some aspects we covered today, other aspects we will cover in the next day.